बच्चों हम अर्थशास्त्र में कक्षा 11वीं के अंतर्गत सांख्यिकी विधियों के उपयोग के बारे में पढ़ रहे हैं। इसके पहले भी बताया था कि आंकड़े कैसे संकलित करते हैं, उसके बारे में हमने देखा था। अभी भाग दो में जब हमने बताया तो हमने प्रश्नावली या फिर उस चार्ट के माध्यम से हमने किस तरह से एक छोटा सा यदि दुकान खोलना चाह रहा है टूथपेस्ट का, उसके बारे में हमने देखा कि वो पहले सर्वे करता है, उसे आंकड़े एकत्रित करता है, उसके बाद फिर वह दुकान खोलने के लिए करता है। अब ये हमारा जो है ये भाग तीन है, तो हम इसमें क्या करेंगे, इसमें हम दिखाएंगे कि हम आंकड़ों को किस तरह से हम उपयोग करते हैं। ये हमारा क्या है, भाग तीन इस चैप्टर का है। तो इसमें हम देखेंगे कि आगे जो आंकड़े हैं हम उसको गणितीय ढंग से या फिर दंडारेख के माध्यम से किस तरह से हम आंकड़ों को विस्तृत रूप से हम समझा सकते हैं, दर्शा सकते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे एक परिवार का आकार, परिवार का आकार जो है 1 से 2, 3 से 4, 5 से 6 या 6 से अधिक, इससे मतलब इसमें परिवारों की संख्या कितनी है, 20 है, 40 है, 30 है, 10 है। अब इसको हमें दर्शाना है तो हम कैसे दर्शाएंगे, तब इसको हम देखेंगे सर्वेक्षण को। इसमें हमने क्या पहले बताया जा चुका है आप लोगों को, ये क्या है, दंडारेख है। अब दंडारेख में एक से जब हम ग्राफ में जब इस चीज को दर्शाएंगे तो जैसे आप लोगों को दिख रहा है 1 से 2, 3 से 4, 5 से 6 और 6 से अधिक ये दिया हुआ है। यहाँ पर हमने परिवार के आकार को दर्शाया है एक्स वाले में, ओ एक्स में, और y में जो है क्या है, परिवारों की संख्या को दर्शाया गया है। तो इसमें आप लोग देखेंगे कि 1, 2 में कितना है, ये 20 है तो यहाँ तक है, और फिर यहाँ पर देखेंगे कि 3 और 4 कहाँ तक है, ये 40 तक है, तो ये आप देखेंगे ये, फिर उसके बाद फिर 30 है तो 30 कहाँ, ये है ना, ये 30 ये। तो इस तरह से ये हम दंडारेख के माध्यम से परिवारों जो हम सर्वेक्षण किए हैं, जो आंकड़े एकत्रित किए हैं, उसको हम इस तरह से दर्शा सकते हैं। अब इसमें दिया हुआ है आयु बंटन। अब इसमें प्रेक्षक द्वारा हम यदि देखेंगे तो इसमें क्या है, 20 से 50, 50 से अधिक, इसमें आयु को दिया हुआ है। इसमें आयु जो है 10 से कम, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और यहाँ पर ये दिया हुआ है। तो इसको हमने दंडारेख के माध्यम से भी इसको आयु में कितने लोगों को आयु के उसमें परिवार के सदस्य हैं उसको हमने बंटन किया है। फिर यहाँ पर देखेंगे परिवार की मासिक आय प्रतिशती, जो परिवार की मासिक आय है वो कैसी है। यहाँ पर परिवार की आय जो है 10,000 से कम है, परिवारों की संख्या 20 है, मतलब 10,000 में भी 20 लोगों का वह जीवन यापन कर रहा है। उसी तरह से 10,000 से 20,000 के बीच में 40 है, 20 से 30 के बीच में 30 है और 30 से अधिक के बीच में 10 का परिवार है। तो उसको भी हम दंडारेख के माध्यम से, अब ये दिया हुआ है आयत चित्र दिया हुआ, दंडारेख में क्या था अलग अलग बना हुआ था, और ये आयत चित्र में क्या है, ये जो आयत चित्र जो है एक दूसरे से आयत रूप में जुड़े हुए होते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ओ एक्स में जो है ये आय को दर्शाया गया है, यहाँ पर जो है ये परिवार की संख्या को दर्शाया गया है, और तो जो संख्या दी हुई है उसको हमने दंडारेख के माध्यम से लिख दिया। और यहाँ पर आप देखेंगे कि ये निर्देश दिए गए हैं, मतलब हमको हमने किस चित्र को किस कलर से उसको दर्शाया, ये लाइट है, फिर ये डार्क है जो कि 10 से 20 के बीच में है, फिर 30 वाला थोड़ा सा इससे डार्क है, ये थोड़ा सा और भी फैट कलर मतलब और लाइट हो गया। तो इस तरह से अलग अलग करके दर्शाया गया है। यहाँ पर ये दंडारेख, यहाँ पर ये देखिए साइड में दंडारेख दिया हुआ है, यहाँ पर आयत चित्र दिया हुआ है। इस तरह से हम इसको दर्शा सकते हैं, ये दंडारेख में दर्शाया गया है वही चीज, और वही चीज यहाँ पर आयत में दर्शाया गया है। तो इस तरह से तुलनात्मक ढंग से आप देखेंगे तो वो सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी। फिर है प्रशासन संबंधी मासिक पारिवारिक बजट, जो प्रसाधन संबंधी जैसे टूथपेस्ट में कितना खर्च होता है, साबुन में कितना खर्च होता है, शैम्पू में, शेविंग क्रीम में कितना खर्च होता है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको राउंड में, ये किस में दिया है, वृत्त चित्र के माध्यम से दिया हुआ। ये सब चीजें हमने पहले जो कक्षाओं में हमने आपको समझा चुके हैं, ये सारी चीजें लास्ट में जो ये चैप्टर है इसमें सिर्फ यही दर्शाना है कि जो हम आंकड़े एकत्रित करते हैं उसको हम किस तरह से उसमें चित्र के द्वारा, दंडारेख के द्वारा या फिर गणित के द्वारा हम किस तरह से, ये वही चीजें दी हुई है। यहाँ पर अब ये पूरा दिया हुआ है, मतलब ये पूरा हमारा मासिक का दिया हुआ है, हम सबसे ज्यादा टूथपेस्ट का जो है वो 60% खर्च हो रहा है इसका, फिर 9 है, मतलब इस तरह से ये प्रतिशत में निकाला हुआ है जो सामग्री, जो मासिक, जो पारिवारिक बजट जो है हम इसको इसमें खर्च कर रहे हैं। और यहाँ पर ये आप लोग देखेंगे कि हर चीज का जो है ये देखेंगे, शैम्पू के लिए अलग है चिन्ह है, इसके लिए अलग है, इसके लिए अलग है, इसके लिए अलग है, मतलब ये जो निर्देशित किया गया है इससे हम समझ सकते हैं कि शेविंग क्रीम के लिए कौन सा दर्शाया गया है उसको हम समझ सकते हैं, साबुन के लिए खड़े में ये दिया हुआ है, टूथपेस्ट के लिए प्लस में दिया हुआ है, और शैम्पू के लिए ये तिरछे उसमें दिया है। इस तरह से हमें समझ में आया 52%, 22%, 17% और 9% ये दो है
हम इस तरह से बजट में उसको खर्च कर रहे हैं। फिर यहाँ देखेंगे प्रमुख व्यावसायिक परिस्थिति, मतलब व्यावसायिक स्थिति में किस तरह से, जैसे कि नौकरी पेशा में है, व्यावसायिक है, विनिर्माता है, व्यापारी है और अन्य। तो इस तरह से हमने सर्वेक्षण किया, तो नौकरी पेशा जो है वो 30 है, परिवारों की संख्या व्यवसायिक जो 5 लोग हैं, विनिर्माण मतलब जो निर्माण कर रहे हैं वो 10 हैं, व्यापारी जो है 40 हैं और अन्य कार्य जो कर रहे हैं वो 15 हैं। इसको भी हम वृत्त दंडारेख के माध्यम से इसको दर्शाया गया है, जिससे आप लोगों को समझ में आ रहा हो। जिस तरह से वो पिछला हमने टूथपेस्ट वाला देखा, तो ये क्या है, व्यावसायिक परिस्थिति को दर्शाया गया है, और उसके पहले हमने देखा था पारिवारिक परिस्थिति वाला। अब यहाँ पर देखेंगे कि प्रयोग किए जाने वाले टूथपेस्ट की प्राथमिकता के क्रम से, जो हमने प्रश्नावली के माध्यम से जो हमने ये आंकड़े एकत्रित किए थे, तो किस तरह से इकाईवार, एक्वाफ्रेश के 5 हैं, इसके ब्रांड एंकर इसके 5 इकाई हैं, सिबाका, क्लोजअप, कोलगेट, ये सारी चीजें जो क्या है, ये टूथपेस्ट के जो है वह ब्रांड है। अब प्रेक्षण के माध्यम से पेप्सोडेंट, कोलगेट, क्लोजअप अधिक पसंद किए जाने वाले टूथपेस्ट थे पहले जो किए जाते थे। तो इसी तरह से यहाँ पर आप देखेंगे चार्ट में देखेंगे कि यहाँ पर क्या दिया हुआ है, टूथपेस्ट की जो कीमत है 100 ग्राम पैकेट, उसकी कीमत के आधार पर ये दिया हुआ है, 20 से 25 यहाँ पर परिवारों की संख्या दी हुई जो उसका उपयोग कर रहे हैं। इस तरह से सूचना के आधार पर माध्य और प्रशिक्षण के माध्यम से हम यदि इसको कल्पना करेंगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये दिया हुआ है, ये 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, इस तरह से ये दिया हुआ है। तो हम इसको या फ्रिक्वेंसी दी हुई है, ये फ्रिक्वेंसी दी हुई है, फिर हमने इसका मध्यमान निकाला, तो 20 से 25 का 22.5, 27.5 और 32, इस तरह से ये पूरा निकाला, फिर एफ और एम का हमने गुणा कर दिए, गुणा करने पर ये हमें ये संख्या प्राप्त हो गई। फिर इसके बाद ये संख्या प्राप्त होने के बाद आप ये देखेंगे कि हमने ये उसको एक सूत्र में रख दिया, जो समांतर माध्य है, सिग्मा एफ एम बटे एफ बटे किया, तो ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा उत्तर आ गया। अब यहाँ पर देखेंगे तो इस तरह से क्या, टूथपेस्ट का औसत मूल्य हमें क्या मिल गया, 29 रुपए मिल गया। फिर चयन के आधार पर, मतलब हम किस तरह से उसको चयन करते हैं, उसके आधार पर यदि विज्ञापन के आधार पर हम चयन करते हैं, डॉक्टर के परामर्श में, कीमत के आधार पर, गुणवत्ता के आधार पर, स्वाद के आधार पर, सामग्री, चिन्ह, और इस तरह से हम ये ब्रांड को जो हम पसंद करते हैं, सबकी पसंद करने का कारण अलग अलग होता है। इस तरह से जो संतुष्ट है वो और जो असंतुष्ट है वो, स्वाद और प्राथमिकता के आधार पर जो लोग इसमें, इतने लोग संतुष्ट हैं, इतने असंतुष्ट हैं, ये पूरी वो संख्या दी हुई है। असंतुष्टों का प्रतिशत की अपेक्षाकृत क्या है, कम है। फिर यहाँ पर देखेंगे संगठनों और सामग्रियों की प्राथमिकता के आधार पर, सादा टूथपेस्ट, जेल, एंटीसेप्टिक टूथपेस्ट, सुगंधित, अस्थिक्षय संरक्षक टूथपेस्ट और गम पेस्ट, इस तरह से कई लोगों के संरक्षक जो पेस्ट जो है इसको कैसे पसंद करते हैं, किसको अधिक पसंद किया जाता है। तो यहाँ पर संचार के माध्यम से जो परिवार प्रभावित होता है, विज्ञापन के आधार पर जो प्रभावित होता है, जैसे टेलीविजन के आधार पर 47 परिवार, मतलब हमने ये क्या किया है, ये जो निकाले हैं ये हमने सर्वे करके निकाला है, तो टेलीविजन के से प्रभावित होते हैं, कुछ समाचार पत्र से, पत्र पत्रिकाओं से, सिनेमा से, विक्रय के कारण, और स्टॉल से या रेडियो से जो विज्ञापन चलते हैं उसके कारण हम क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं और उस चीज को खरीदते हैं और उपयोग करने की कोशिश करते हैं या उसको उपयोग करते हैं। तो उसको हमने यहाँ पर देखो दंडारेख के माध्यम से ये दर्शाया गया है। फिर यहाँ पर देखेंगे अब इसका हम सारांश रिपोर्ट जो परियोजना तैयार करेंगे, तो देखिए बहुसंख्यक लोग शहरी क्षेत्र से है और सर्वेक्षण किए गए अधिकतर लोग 25 वर्ष से 50 वर्ष की आयु वर्ग से है। उनके परिवार की औसतन 3 से 6 सदस्य थे और इनके परिवारों की मासिक आय जो थी 10,000 रुपए से 30,000 रुपए तक के बीच थी। मुख्यतः ये क्या थे, सेवा वर्ग में थे, मतलब नौकरी पेशा में थे, और व्यापारिक वर्ग के लोग थे, जिसमें टूथपेस्ट पर व्यय परिवार के प्रसाधन बजट का प्रमुख अंग है, मतलब हमारा बजट कितना है, कैसा है, हम इस हिसाब से खर्च करेंगे। फिर पारिवारिक सर्वेक्षण में पेप्सोडेंट, कोलगेट तथा क्लोजअप अधिक पसंद किए जाने वाले ब्रांड थे, और जिसमें माध्य के परिकलन द्वारा हमने ये चीजें लगभग 100 ग्राम टूथपेस्ट के पैक में 29 रुपए थी, तो लोगों ने उस ब्रांड के टूथपेस्ट को प्राथमिकता दी, और अस्थिक्षय संरक्षक या एंटीसेप्टिक थे, जिसमें कि अधिकांश लोग विज्ञापनों से प्रभावित हुए थे, और जिसके कारण वे सर्वाधिक लोकप्रिय संचार माध्यम में क्या कहलाता है, टेलीविजन के माध्यम से भी होता है। इस तरह से हम देखेंगे कि हमने ये चीज क्या देखा, जो हमने आंकड़े एकत्रित किए थे, हमने शुरू से जब सांख्यिकी अर्थशास्त्र में सांख्यिकी जब पढ़ रहे थे, तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा, सबसे पहले हमने देखा सांख्यिकी क्या है,
फिर सांख्यिकी का संकलन कैसे करते हैं, उसको एकत्रित कैसे करते हैं, फिर हमने लास्ट जो ये चैप्टर जो हमने पढ़ा है सांख्यिकियों का उपयोग, तो मतलब वो सारे सांख्यिकी हमने उस तरह से एकत्रित किया और इस तरह से हमने कैसे उसको उपयोग किया है, ये उसके बारे में है। इस तरह से हमारा कोर्स आज खत्म हुआ है। इसके बाद आप लोगों को प्रश्न उत्तर करना है, रिवीजन करना है, जो चीज आप लोगों को दिया जा चुका है उसका आप लोगों को रिवीजन करना है।